अरे ये कहाँ चले गए भाई साहब? ओ भाई जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये वाला व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देख लो मेरी आम की प्रोग्रेस, आम हो चुकी है काफ़ी बड़ी, मतलब मीडियम साइज़ की हो चुकी हैं, बाकी 10-1 दिन में और बड़ी हो जाएंगी, तब और दिखाएंगे अच्छे से। बाकी ये देखो सूरज अभी निकला भी नहीं है, तो अब अंदाज़ा लगा लो हम जो है आज क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ गए। तो मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तैयारी कर रही है? अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अभी तो बस तैयारी में लगे हुए हैं, नाश्ते की तैयारी हो रही है, सब्जी पूड़ी बना ली है। अब घर से बाहर निकलेंगे जब देखेंगे कहाँ जाएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो गाइस ऐसा ही है, अभी जरा डिसाइड नहीं करा है, तो निकलेंगे उसके बाद जो है बताएंगे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस आशीष एंड यू गाइस वाचिंग दी आशीष व्लॉग्स। और आगे हमें नहा के और जाने की हो रही है तैयारी हमारी, कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर में आपको बता देंगे, रिवील कर देंगे। हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सस्पेंस बना के फिर बताएंगे। बाकी हो गया मेरा नाश्ता रेडी, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता और निकलते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए। वेलकम बैक अगेन गाइस, तो हम लोग हो गए सब लोग रेडी अपनी डेस्टिनेशन जाने के लिए, वो आपको बाद में बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, चलो थोड़ी बहुत देर में बता देंगे। बाकी हमारे साथ हैं हमारे प्रिय मामा श्री, बोलो मामा है कर दो। और ये रही प्रियंका, ये रही दिव्या, ये रही मम्मी डॉन साहब हमारे। अभी वन मेंबर को पिकअप करना बाकी। हाँ अभी जो वासु को पिकअप करने जा रहे हैं हम, आगे से चलते हैं यहाँ से और करते हैं आपसे रास्ते में बातें। तो अब आ गए हम लोग वासु को लेने, और ये आ गया वासु आशीर्वाद लेते हैं। रेडी ये आई है मौसी जो है विदा करने वासु को। बाय मौसी, बाय बाय, चलो चला जाए। तो गाइज वासु को हमने ले लिया था और जा रहे हैं पीछे वाले रास्ते से, आपको मैं ये रास्ता दिखाता हूँ। इस रास्ते से जाने का ये फायदा है कि वासु को हमने जब पिक करा कसेरू खेड़े से आज़ाद नगर, तो उधर पीछे की तरफ से डेयरी फार्म की जो दीवार है वहाँ से बैक साइड से, भाई कौन सा रास्ता, अमेड़ा, अमेड़ा की तरफ से रास्ता जाता है ये देखो। और इसके दो फायदे हैं इस रास्ते से जाने के, एक तो ट्रैफिक से बचते हैं, जैसे आज सैटरडे है तो जो सिवाया का टोल प्लाजा पड़ता है रुड़की रोड पे, तो उससे एक तो ट्रैफिक से बच जाते हैं, ऊपर से जो टोल लगता है उससे भी मतलब छुटकारा मिल जाता है। तो गाइज ये देखो ये रास्ता जो है यहाँ से निकलता है, ये सामने आप देख रहे हो ये आ गया अपना रुड़की हाईवे, ये निकल रुड़की हाईवे पे जो है आ गया ये, वो रहा टोल, यही से निकलता है, ये रहा हाईवे। जैन शिकंजी का वॉशरूम भी है, जैन शिकंजी हाँ वॉशरूम भी भाई, जैन शिकंजी वाले ने ठेके ले लिए कई जगह पता है। तो निकल लिए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के लिए, तो हम फाइनली आप लोग बता देते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हरिद्वार से वैसे आगे भी जाएंगे, अभी कुछ प्लान नहीं है, अभी हरिद्वार पहला स्टॉप है, वहाँ पे रुकेंगे थोड़ा नहाएंगे और उसके बाद पूजा वूजा करेंगे वहाँ पे, गंगा जी आरती वगैरह अगर हो रही हो तो। गंगा आरती वैसे टाइम क्या है गंगा आरती का? गंगा आरती तो निकल गई है, वैसे पूजा वगैरह कर लेंगे थोड़ी बहुत गंगा जी की, उसके बाद अपना देखते हैं आगे किधर की तरफ, या तो ऋषिकेश जाएंगे या फिर देखते हैं वहीं बैठ के थोड़ा सा प्लान बनाएंगे, खाएंगे पियेंगे। हम एक काम करते हैं घर चले जाते हैं वापस, इन दोनों को ही चलने देते हैं रोड पे, है ना। चल लो भाई तुम्हें चल लो। यार रास्ता ही नहीं दे रहे दोनों। उसका एक्सेल ही टूट गया है, ये देखो एक्सेल टूट गया। लास्ट टाइम भी जब मैं जा रहा था हरिद्वार तब भी एक भूसे वाला जो ट्रक था वो पलटा हुआ था,
भूसे वालों को तमीज नहीं होती कि कितना लोड करना है कितना नहीं करना है, पैसे बचाने के चक्कर में कर लेते हैं गाड़ी का नाश। सो गाइस, अभी हरिद्वार यहाँ से है 79 किलोमीटर्स और मुजफ्फरनगर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। 04 किलोमीटर है मुजफ्फरनगर यहाँ से। बाकी आज ट्रैफिक ज़्यादा है क्योंकि सैटरडे का दिन है और संडे भी छुट्टी, मतलब लॉन्ग वीकेंड काइंड ऑफ है। 1 तारीख की भी शायद कुछ लोगों की छुट्टी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है अभी जाते समय। तो हरिद्वार के बाद ऋषिकेश देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते हैं, बिकॉज सारा ट्रैफिक लगता है नीलकंठ पहुंचने वाला है जिस हिसाब से गाड़ियां जा रही हैं। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, देखो सुबह के जो है 9:10 हो रहे हैं, 8 बजे से देख रहा हूँ मतलब सेम गाड़ियां साथ साथ चल रही हैं, सारे के सारे हरिद्वार ऋषिकेश वाले हैं। ये देखो DL नंबर आगे, बाकी ये बैठी हमारी पार्टी पीछे, दिव्या मम्मी, ये रे मामा परी, मामा ये रे परी अगर ब्लॉग देख रही है तो परी थोड़ा सा जेलस फील कर लो हम अभी नहीं देख, हम अकेले अकेले घूमने जा रहे हैं जो है छोड़ के तुम्हें नेक्स्ट टाइम परी पायल इसी सबको घुमाएंगे। और ये पड़ गया हमारा पहला टोल हरिद्वार वाला, हरिद्वार के जो रास्ते में आता है। यहाँ पे बोर्ड देखा था कितने रुपए कटते हैं, चलो टोल कटवाते हैं फिर चलते हैं और आगे। अभी मेरे ख्याल से 1 घंटा या आधा घंटा कुछ लग जाएगा। अभी बड़े सारे गन्ने के कोली कोलू है, लाइन से कोलू लगा रखे हैं भाई साहब कितने हैं हाँ, और एक ही सबका मॉडल एक ही है, सबका मॉडल एक ही लग रहा है, एक ही जैसे बनाने वाले ने सबको बेच दिया कि भाई कोलू लगा लो सब 50,000 रुपए के बेच दोगे इंजन समेत पूरा सेटअप। अरे भाई साहब लाइन से ये तो रुक ही नहीं रहा है, देख लो गाइस कितने मेरठ के गन्ने, फेमस गन्नों के भाई साहब मेरठ में जो है ना गन्नों का जूस खूब बिकता है। वैसे यही देखो अभी भी चल ही रहे कोलू भाई, अभी भी चल ही रहे, सबने खड़े खड़े गन्ने लगा रखे एकदम दिखाने के लिए, सबका एकदम डिजाइन मॉडल सब सेम, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम। अब मेरे ख्याल से खत्म, हाँ बस इतना ही था भाई साहब, अभी लास्ट नहीं, नहीं अभी है, अभी और है, और है। अभी यार कितने और भाई साहब गन्ने के, जिसका मन भी नहीं होगा ना गन्ने का जूस पीने का वो भी रुकेगा, कहेगा यार इतने कोलू कोलू चल रुक ही जाता हूँ मैं तो देवबंद 15, रुड़की 32, ऋषिकेश 90। देखो केदारनाथ जी का भी बोर्ड जो है सामने लगा हुआ है, केदारनाथ जी यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 312 किलोमीटर, यमुनोत्री 338, और आगे एक और बोर्ड है, थोड़ा सा बोर्ड दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। ये मतलब बोर्ड पे वो नहीं, वैसा ही है कि रुड़की लेफ्ट, सॉरी रुड़की सीधे, देवबंद लेफ्ट, शुक्रताल राइट। सो गाइस अभी हरिद्वार पहुंचने में आधा घंटा है और अभी अभी हमने एक वो देखा था, नदी देखी थी, वो हमने रिकॉर्ड नहीं की है, शायद इन्होंने रिकॉर्ड किया है दूसरे फोन में। तो व्यू अच्छे अच्छे पहाड़ और नदी वगैरह, बहुत मस्त पानी है वहाँ का ठंडा ठंडा। सो गाइस ये आ गया है अब दूसरा टोल, अभी पहला टोल दिखाया था हमने आपको, अब ये दूसरा टोल है, अब मुझे लगता है हम हरिद्वार पहुँच ही जाएंगे ऑलमोस्ट, और दिखाएंगे वहाँ पे आपको अच्छा सा व्यू। मौसी आप गए हो पहले कभी हरिद्वार? हाँ एक बार गए, मैं भी एक ही बार ही गई हूँ। मम्मी आप कितने बार गए हो? 4-5 बार हो गए सच में? सच में। और बस भैया आप? 3 बार गए। मामा जी आप कितने बार गए हो? 2-3 बार। दो तीन बार, मतलब मौसी और मैं सेम है, मैं तो एक ही बार ही गई हूँ, मैं सेकंड बार जा रही हूँ, तीसरी। पता है जब मैं बचपन में छोटी थी ना तो मेरे को लगता था कि इतने बड़े बड़े रास्ते कैसे मतलब लोगों को याद रहते हैं, मैं सोचती थी जैसे पापा भी लेके जाते थे गाड़ी तो सोचती थी मैं नानी क्या कैसे इतने लंबे रास्ते इन लोगों को कैसे याद रह जाते हैं। अब मुझे पता चला है कि ये लोग मतलब बोर्ड देख के जाते हैं, बोर्ड लगे हाँ। मैंने तो एक भी बोर्ड नहीं देखा आपने? नहीं दिमाग में बैठ जाता रास्ता। आप 2-3 बार जा चुके हो, जो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट बार जाएगा वो तो बोर्ड देख के जाएगा ना।
बट फिर भी दो तीन बार में इतना लंबा रास्ता कैसे याद हो सकता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। मैं तो मेरठ भी अभी पूरी तरीके से याद नहीं कर पाई कहाँ से क्या है। ये भैया है बचपन से घूमे हुए भाई और पता नहीं हमेशा ये रहता है कि जैसे हम तो जा रहे हैं हरिद्वार, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे, ये थोड़ी रहती है एक्साइटमेंट कि ये लोग कहाँ जा रहे होंगे, ये भी गंगा नहाने जा रहे हैं हमारे साथ। गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं हरिद्वार और ये है हर की पौड़ी। ये रहा पानी, इधर जा रहा है। अच्छा इधर भी है, ओके वाओ कितना अच्छा लग रहा है। ओम ब्रिज, ये है ओम ब्रिज, इसमें लाइट जलती है ना जो ओम बना हुआ है लगा रखी हुई पत्थर का। कितना अच्छा पानी है, ऊपर तक है पानी, बहुत ही अच्छा। और ये रहा ओम, उसके पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं। ये कितना अच्छा शहर है ना, कितना मजा आता होगा यहाँ पे जो लोग रहते होंगे। ठंडा ठंडा पानी जब मन किया आ गए ना, प्यारा प्यारा मतलब बना रखा है वॉल पर। ये देखिए ये कौन है, ये तो राक्षस है ऐसे लग रहे हैं। समुद्र मंथन समुद्र, हाँ। और इधर हमने ले लिया है टर्न, बस अब जल्दी से जाएंगे गंगा किनारे। अभी तो हम बीच साइड है, हर की पौड़ी तो आ गया अभी जरा है यहाँ। ये जगह वैसे शांत है, सही लगता है। हाँ यहीं से तो एक बार हमने पानी भरा था। तो भाई ये आ गए हम लोग हरिद्वार। ये देखो पानी कितना बढ़िया नीला नीला बह आ रहा है ऊपर से। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत भीड़ है। ये देखो कितनी भीड़ है, क्या बोलते हैं ये घंटाघर की तरफ हर की पौड़ी पे बहुत भीड़ है। कुछ ज़्यादा ही भीड़ है हर की पौड़ी पर, तो पता नहीं देखते हैं कि किस साइड हम जाएंगे। बाकी ये देखो ब्रिज पे जो है काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं सब। ये सामान वामान जो है सेल हो रहा है। सो गाइस हम आ गए हैं महादेव की नगरी और ये देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और उधर जूम करके दिखाओ, वहाँ पे शिव जी भी खड़े हैं। हाँ शिव शंकर जी है। महादेव की नगरी हरिद्वार हरिद्वार ऐसा लग रहा सारे इंडिया वाले यहीं आ गए हरिद्वार में। हैं इतनी भयंकर भीड़ हो रखी है, भयंकर। आज तो मतलब स्नान वगैरह भी है, नॉर्मल वीकेंड ही है, तब भी इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है। मतलब जो रास्ते में गाड़ियां दिखी थी वो सच में यहीं आ रही थी, हमें लगा कहीं और जा रही होंगी। क्या जी पायल खो गई थी यहाँ। अच्छा बहुत छोटी सी जब ती आई थी है। चलो चलते हैं देखते हैं कहीं। तो ये है दोस्तों हर की पौड़ी का घाट, ये रहे सब लोग नहा रहे हैं। और ये देखो गंगा जी का कितना साफ, ये देखो गंगा जी का कितना साफ पानी। और ये है वो जगह जहाँ पे जो है आरती वगैरह होती है, वहाँ से लेके यहाँ तक। भीड़ कुछ ज़्यादा ही है यार आज है। ये रहा घंटाघर, सब इसको हर की पौड़ी बोलते हैं, हम लोग शुरू से इसको घंटाघर ही बोलते हैं। घंटाघर चल रहा है, घंटाघर ये है ना, घंटाघर लगा हुआ। क्या गंगा जल भर रही हो, गंगा जल भर रही हो? अच्छा। और ये है मुख्य गंगा माता जी का मंदिर, ये दूसरा मंदिर। हाँ वासु ये देखो वासु कैसा लग रहा है, ठंडा मजा नहीं आ रहा? ये देखो मामा भी जा चुके हैं जो है गंगा स्नान के लिए।
कितना ठंडा पानी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सही है सही है, मिल नहीं रहा ना। अरे ये कहाँ चले गए? ये देखो गाइस, इस तरीके से जो है ये सिक्के निकालते हैं गंगा मैया में से। ये फेंका और अभी ये जो है जितने भी सिक्के होंगे वो सारे सिक्के जो है ये ले लेंगे चुंबक के थ्रू। ये जो मैग्नेट होती है ये स्पेशल होती है, मतलब आयरन के अलावा ये जो सिक्के वाला जो सिक्के जो होते हैं उनको भी जो कैप्चर कर लेते हैं, इम्पोर्टेड मैग्नेट होती है। भाई साहब, ओ भाई, बाबा डूबते डूबते बचे पीछे से बड़ी तेजी से बहते हुए, वो तो भला इस चुंबक वाले का जो कि रोक लिया है। ओहो गाइस, बच्चे देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये सोच रही है मैं पानी में जाऊं नहीं जाऊं। और ये मनसा देवी का टेंपल यहाँ पे सारा व्यू दिखता है अच्छे से। सो गाइस, यहाँ पे सब नहा लिए हैं, अब हम जा रहे हैं पार्किंग की साइड, वहाँ पे सामान रखेंगे और अपना लंच करेंगे, फिर जाएंगे आगे डेस्टिनेशन पे, देखते हैं कहाँ जाते हैं, नीलकंठ जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे हम आपको बता देंगे। मन था बहुत दिन से, बहुत दिन से था गंगा जी नहाले, एक साल शादी को हो गए तुम्हारे जब नहीं नहाई, उससे पहले भी नहीं आ पाई, इसलिए बहुत मन था, बहुत एंजॉय, बहुत अच्छा लगा। वासु कैसा लगा गंगा जी की मैं नहा के? मजा आ गया, गंगा जल भी भर लिया है, मजा आ गया, बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल कूल, मामा भी एकदम कूल कूल हो गए, मजा आया, बहुत मजा आ गया, पैर सुन्न हो गए। तू सुबह नहा के आया था तू? हाँ सही है, इसलिए सही है नहा के, मेरे को छोड़ के बाकी सब नहा लिए हैं। मैं और दिव्या नहीं नहाए। चलो फिर चला जाए, चलो पार्किंग में चलते हैं और फिर वहां से निकलते हैं आगे। एक पार्किंग तो जो है इधर से है, जिधर से हम लोग आ रहे हैं ना, एक पार्किंग है इधर से पीछे की तरफ से, आप उधर से आके जो है इधर से आ सकते हो, और जो है वो गलियों में से रास्ता आता है, गलियों में से है जहाँ खाने पीने की भी दुकान है, समोसे मोसे इतने बड़े बड़े नहीं, समोसे मोसे वाले, रबड़ी समोसा और जलेबी, पता नहीं क्या क्या दिखा था उस दिन, टोपी जैसे, हाँ टोपी, हाँ इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े समोसे लगा रखे तुमने, टोपी जैसे, और बहुत भीड़, रबड़ी और दूध, मतलब जो दुकान है ना खाने पीने की उधर की तरफ ही, एक से एक। दिव्या के लगाओ, ये नहा के नहीं आई क्या? नहा के आई है और दिव्या लगा रही है टीका, ये क्या महादेव का वो टीका लगा रही है अम्मा? अम्मा लगा रही है महादेव का टीका, ये लग गया भोलेनाथ जी का, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे जा रहे हैं, मेरे तो लगा हुआ है, तुम लोग लगवा लो, मैं वैसे भी नहाया नहीं हूँ। ये लग गया वासु के भी, ठीक है, बम बम बोले, जय भोले की, मामा और मैं एक जैसे हैं। लगा नहीं, मेरा ठीक है, ऐसे ही सही है।